यूपी में मौजूदा वक्त में विधानसभा की 10 सीटें खाली हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। प्रदेश की सभी 9 सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग के मिल्कीपुर सीट को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं करने की वजह से वहां भी उपचुनाव नहीं होंगे। इसके पीछे हाईकोर्ट में मामला लंबित होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। पूर्व विधायक ने 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर याचिका दायर की थी। वही केस फिलहाल कोर्ट में लंबित चल रहा है। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के मुताबिक अवधेश प्रसाद के द्वारा नॉमिनेशन के समय दाखिल किए गए हलफनामा नोटरी की डेट एक्सपायरी थी। नोटरी की डेट एक्सपायर होने के चलते नामांकन कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए गोरखनाथ बाबा ने MLC अनूप गुप्ता के केस को आधार बनाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ऐसे में जानना जरूरी है कि कौन है गोरखनाथ बाबा। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा BJP के तेज तर्रार नेताओं में शुमार किए जाते हैं। गोरखनाथ बाबा 2017 में मिल्कीपुर से विधायक बने थे, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद ने 13,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। गोरखपुर में जन्मे गोरखनाथ बाबा इस उपचुनाव में भी BJP के प्रबल दावेदारों में से एक बताए जा रहे हैं। इधर चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी की करहल, कुंदर की कटेहरी, सीसामऊ, खैर, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, मझवा और फूलपुर विधानसभा सीट पर 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मामला अदालत में लंबित होने के चलते मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।